पहले इस वीडियो को देखो। अभी और सब यूट्यूबर की तरह ऐसी वीडियो को एडिट करके मिलियन ऑफ व्यूज लाना चाहते हो? करेक्ट वीडियो पे आया मैं आपको कलर ग्रेडिंग, ग्लो इफेक्ट, स्काई एडिटिंग एंड स्लो मोशन इफेक्ट बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ। गारंटी 100% आप इस वीडियो को देख के अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल एडिटिंग कर पाओगे और मिलियन ऑफ व्यूज आएंगे। इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको कैपकट में आ जाना, तो आप बोलोगे क्या हम ऐसी वीडियो को काइंड मास्टर में एडिट नहीं कर सकते? तो नहीं, कैपकट एक ऐसा ऐप है जिससे कि आप अपनी प्रोफेशनल लेवल वीडियो एडिट कर पाओगे। लिटरली और सबके मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचर है, इसलिए क्रोम से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो कैपकट के अंदर आ जाना, प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है और ऐड पे क्लिक कर देना हो। यहाँ पर आपकी ऐड वीडियो हो जाएगी। नीचे आपको एक रेशियो वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे 9.60 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, अपनी वीडियो को पूरे एरिया में जूम कर लेना है। नीचे एक एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राइटनेस है उसे 9 रखना है ना, कॉन्ट्रास्ट को आपको यहाँ पर 15 के आसपास रख लेना है और सैचुरेशन को आपको 20 रखना है और सार्वन को आपको पूरा 100 कर देना है। हाईलाइट को आपको 10 रख देना है, शैडो को आपको -3 कर देना है। नीचे राइट वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना, जो आपको यहाँ पर लाइन आ जाएगी उसको पूरी वीडियो में फैला देना है। पहले के मुकाबले काफी अच्छी क्वालिटी हो चुकी है। और आपको एक और वीडियो ऐड करना है तो प्लस वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी जो से वीडियो को ऐड करना है कर सकते हो। और फिर से आप जूमिंग कर लेना अपनी वीडियो को, और जो हमारा एडजस्टमेंट वाली लाइन है उसे पूरी वीडियो में फैला देना। अब आ रही है अपनी वीडियो में कट्स लगाने की। वीडियो के ऊपर क्लिक करना, इस लाइन जो आ रही है व्हाइट रंग की, उस जहाँ पर आपको कट मारना वहाँ पे ले जाना। नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक करके कट कर सकते हो। ऐसे करके आप 2-3 फुटेज ले लेना और बेकार पार्ट्स को डिलीट कर देना। अब मैं स्लो मोशन इफेक्ट लगाने वाला हूँ। अपनी वीडियो में आप मर रहे हो या फिर वन टैप खा रहे हो, तो उसके जस्ट पहले जो आपने जंप किया है ना, उसके हल्का सा पीछे आपको एक कट लगाना है। प्रॉपर कट लगा पाओ उसके लिए आपको फिंगर को स्किन पे रखना है और दोनों साइड मूव करना है। सेकंड कट आपको थोड़ा सा आगे लगाना है, जिस तरीके से मैंने लगाया है। दोनों कट्स के बीच में जो पार्ट है उस पर क्लिक करना है। नीचे स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप वीडियो को स्पीड बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो हमें घटाना है तो पॉइंट को बिल्कुल कम कर देना। फिर आपको मेकड स्मूथर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बेटर क्वालिटी पे क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फोन थोड़ा सा लैग करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा भी होता है। जैसे अप्लाई होगा अपनी वीडियो पे क्लिक करके वॉल्यूम को पूरा 0 कर देना और देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। अब सेकंड पार्ट को स्मूथ करते हैं। ऐसे कि आपको गोली लगी, अब गिरने वाले जस्ट उसके से हल्का सा पहले, पहला कट आप पूरा गिर जाओगे तो सेकंड कट। फिर से वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्पीड नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, पूरा काम करना है। बेटर क्वालिटी पे क्लिक करके यहाँ पर फिर से अप्लाई कर देना है। ये भी एकदम अच्छी तरीके से हो चुका है। अब तो मैंने बता ही दिया आपको कि स्लो मोशन इफेक्ट कैसे लगाते हैं, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, हेडशॉट के पहले या फिर आगे आगे पीछे अपनी मर्जी से लगा सकते हो। उसके बाद जो आपकी वीडियो को आगे पीछे करना चाहते हो तो एकदम वीडियो पे दबा के रखना, उसको आए कर देना है, फिर पीछे कर देना जहाँ पर भी आपको करना हो, जिस तरीके से मैंने किया था। और आपको हेडशॉट के बाद स्मूथ कैसे करना है, जैसे कि आपको हेडशॉट मारा है पर रेड रेड आ रहे हैं और आपने ग्लोबल डाला, उस पे एक कट मारना है और सेकंड कट उसको हल्का सा आगे मारना और फिर से आपको यहाँ पर स्लो मोशन इफेक्ट अप्लाई कर देना है। अब ये तो अच्छी तरीके से सीख गए कि स्मूथ कैसे करना है, स्लो मोशन इफेक्ट कैसे लगाना है। अब आ रही है जहाँ पर भी आपने स्मूथ किया उसका वॉल्यूम हमेशा आपको 0 रखना है, वरना आपकी वीडियो पूरी बेकार हो जाएगी। एक बार वीडियो को भी देख लेते हैं किस तरीके से स्लो मोशन इफेक्ट लगाया है। भाई हमारी वीडियो काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। फिर इसके बाद एक इफेक्ट लगाना जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चेंज करते टाइम ये इफेक्ट लगाया जाता है। आओ बताता हूँ, प्ले स्टोर पे आपको आना है, वीपीएन को इंस्टॉल करना है, ये वीपीएन से ही लगेगा। तो वीपीएन को लगाने के बाद आपको आना है, वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एनिमेशन वाले पे क्लिक करना है, देन काफी सारे इफेक्ट दिखेंगे। तो जूमिंग 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 7 सेकंड कर लेना है और देख लो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये जूमिंग इफेक्ट जहाँ पर भी आपको लगाना हो वहाँ पर पहले कट मारना है, फिर वीडियो पे क्लिक करके लगा पाओगे। इसके बाद ये वाला भी इफेक्ट लगाना है आपको, फिर से आपको वीडियो पे क्लिक करना है, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेकंड वाला है उस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे 3 सेकंड का सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, आप हेडशॉट मारते हो या फिर मरते टाइम आपको ये इफेक्ट लगाना है। ओके, और वो जूमिंग इफेक्ट थी जैसे पहला पार्ट में मैं मारा हूँ, यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट होते ही मैं आपको जूमिंग 1 वाला इफेक्ट लगाना 7 कर देना आपको। मैं ऐसे इस तरीके से कह रहा था आपको लगाने, और ये वीडियो में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और आप इस चीज को हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से पहले कट लगा लेना, तभी आपका ये अप्लाई होगा वहाँ पर। ये इफेक्ट तो लगा लिया, कुछ गाने लगा लेते हैं। बाई चांस यहाँ पे यूट्यूब का किसी वीडियो का आपका म्यूजिक पसंद आ गया तो उसे डाउनलोड कर लेना है। नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो फाइल जैसा बना उस पर क्लिक करना है। जो से वीडियो का आपको म्यूजिक ऐड करना है उस वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है इमेज सॉन्ग ओनली, उस पर क्लिक करते ही आपका वीडियो का म्यूजिक ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। आपको किसी
म्यूजिक को डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करके डिलीट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। अपनी वीडियो के लिए अपने म्यूजिक पहले से डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखा है म्यूजिक का, उस पर क्लिक करना है, फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और साइड में एक और फाइल से उस पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी म्यूजिक को ऐड करना है उस पर प्लस करना ऐड हो जाएगा। और म्यूजिक लगाने के बाद आपका वीडियो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो रहा म्यूजिक में तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए वीडियो के ऑप्शन में आना, जहाँ पे आपने कट लगाया उसको आगे पीछे करके वीडियो को डिक्रीज भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। इसी तरीके से अपनी वीडियो घटा बढ़ाकर म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही अपनी वीडियो को रख सकते हो। और मैंने आपको पहले कहा था अपनी वीडियो का जो साउंड है उसे बिल्कुल लो कर देना, तो आपका वन टैप साउंड भी चला गया होगा। तो उसको ऐड करने के सॉन्ग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको फाइल के अंदर जाना है और उसके बाद फ्रॉम डिवाइस के ऊपर जाना, गन का साउंड का नाम सर्च कर लेना और ऐड कर देना है। और ये गन साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना वो भी बताऊँ। उससे पहले आपने जो साउंड इफेक्ट ऐड किया है उसमें ग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक कट मार के पीछे वाला पार्ट पूरा डिलीट कर देना है और फिर साउंड को दबा के रखना और जहाँ पर भी आपको ले जाना घसीट के ले जा सकते हो। और यहाँ पर मैंने वन टैप मारा और मैं घसीट के यहाँ पर ला चुका हूँ और जहाँ पर आपकी गोली निकल रही है जस्ट आपको वहीं पर इस साउंड इफेक्ट को परफेक्टली लगा देना है और आपको एकदम हेडशॉट का मस्त साउंड आने लगेगा। ऐसे ही अपनी वीडियो में कहीं पर भी लगा सकते हो। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पर आना है, जोन सी बी गन का आपको साउंड इफेक्ट लगाना है, उसका नाम पहले लिख देना, उसके आगे वन टैप हेडशॉट साउंड इफेक्ट लिख देना है और यहाँ पर काफी सारे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। और गन रिलोड साउंड इफेक्ट लगाना है तो उसे सर्च करना है गन रिलोड साउंड इफेक्ट, तो वो भी आ जाएगा। कलर ग्रेडिंग और ग्लो इफेक्ट लगाने से पहले वीडियो को देख लेते हैं। एक ऑप्शन दिया उस पर क्लिक करके आप वीडियो की पूरी हाई क्वालिटी करके एक्सप्लोड कर देना। अब आपको आ जाना है काइंड मास्टर मेन्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 9.60 रेशियो पे क्लिक करके अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है जो हमने अभी एडिट की थी। आपको वीडियो पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ब्राइटनेस को यहाँ पे -5 कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को 10 करना है, सैचुरेशन को 10 कर देना है। फिर आपको सबसे नीचे आ जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा जिसे कम या ज्यादा करते हो तो वीडियो का कलर चेंज होगा, तो मेरे को यहाँ पर कम करना है -20 कर देना आप भी। फिर राइट कर देना है, एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ऊपर होम का ऑप्शन दिया उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर ब्लेज या फिर प्ले नाम का एक इफेक्ट मिलेगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना, मैंने कर रखा है पहले से। फिर वापस आ जाना है, यहाँ पर आपको ब्लेज का ऑप्शन देगा उस पर क्लिक करके प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन इसे पूरी वीडियो में लगा लेना है। फिर उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग वाला ऊपर ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करना है, नंबर को आपको पूरा 10 कर देना है, अमाउंट को आपको 24 रखना है, लाइन स्ट्रेंथ को आपको 45 रखना है, मोड वाला ऑप्शन को बढ़ा दो तो आपका वीडियो का कलर चेंज होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 2 ही रखना है, स्पीड कलर को आपको पूरा माइनस कर देना है, एंगल को भी पूरा माइनस कर देना है, स्पीड एंगल को भी पूरा माइनस कर देना है। ये सब माइनस करने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन देखेंगे, इनसे पूरा फुल कर देना है, कलर को भी पूरा 100 कर देना है, फिर एक और एक नीचे ऑप्शन देखेगा जिससे कि आप कम या ज्यादा कर सकते हो। आपकी वीडियो की ब्राइटनेस है जिसे मैं कम रखूंगा, आपको भी कम करना, और आपको ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे 6 रखूंगा, आप भी 6 रख सकते हो। फिर इसे पूरी वीडियो में फैला देना है, फिर ऊपर एक ऑप्शन देखेगा जिसे क्लिक करके एक्सप्लोड कर लेना है और हाई क्वालिटी पे एक्सप्लोड करना, फिर उसके बाद 3 लूड ऐप पर आ जाना, नीचे इमेज का ऑप्शन उस पर क्लिक करके जो भी हमने वीडियो बनाई उसको सिलेक्ट कर लेना, ये ऐप इजिली आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ऊपर बेसिक और लूट वाला ऑप्शन देगा, इस पर लूट वाला सिलेक्ट कर लेना, फिर स्लाइड करना है नीचे, यहाँ पर टॉप 25 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन आपको काफी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो और जो सा भी आप सिलेक्ट करो उसे थोड़ा सा कम जरूर से कर देना। यहाँ साइड में ऑप्शन दे रखा है जिसे आप क्लिक करें कम या ज्यादा कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर F6 999 को सिलेक्ट करूंगा और उसे हल्का सा कम कर दूंगा। ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पर सेव कर लूंगा वीडियो को। आपको एक बार और कैप कट के अंदर आना है, जो अपने वीडियो को सेव किया है उसे सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ सैचुरेशन को पूरा 100 कर देना जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट में कैप कट का ऑप्शन दे रखा है लोगो, उसे हमेशा डिलीट जरूर कर देना। और वीपर लगा के दोबारा आना, यहाँ पे नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रेंडिंग इफेक्ट दिखाएंगे काफी सारे, तो इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके ब्लर वाला इफेक्ट जो काफी ज्यादा यूज होता है वीडियो के अंदर, ऐसे करके आप वीडियो में लगा सकते हो, इसे थोड़ा सा कम जरूर कर देना। और नीचे एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप सेटिंग को भी छिड़कानी कर सकते हो। और एक और बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी वीडियो के लिए।